जितने भी हमारे समाजवादी साथी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने कल टीवी नहीं छोड़ा होगा और लगातार टीवी देखते रहे होंगे जितने भी साथी हैं, और जिनका संपर्क मोबाइल से था वो मोबाइल के माध्यम से भी जानकारी लेते रहे होंगे कि आखिरकार गोरखपुर की जनता और फूलपुर की जनता क्या परिणाम दे रही है। और मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे साथियों ने सब खबरें देखी भी होंगी टीवी पर, और उसके बाद जितने अखबार रहे होंगे उन अखबारों को पढ़ा भी होगा। अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो दोनों सांसद, कल तक तो ये नौजवान थे लेकिन आज नौजवान सांसद दोनों आपके और हमारे सामने। दोनों नौजवान सांसद और जनता ने इतना मतदान किया, तमाम लोग तमाम तरीके से घिरना चाहते थे लेकिन इन दोनों ने जीत हासिल की है, और वो जनता का जो सहयोग मिला है, जो मदद मिली है, इनका सम्मान तो बढ़ा ही है लेकिन समाजवादी पार्टी का और जितने भी दलों ने सहयोग किया उन दलों का भी इस चुनाव में जनता ने सम्मान बढ़ाने का काम किया और एक राजनीतिक संदेश दिया है। ये राजनीतिक संदेश बड़ा है। मैं जब इन लोगों से बातचीत कर रहा था, मैंने इनसे कहा कि आप, हम लोग तो जीत की खुशी मना रहे हैं लेकिन जब आप अखबार पढ़ेंगे, जो जो खबरें लिखी गई हैं, जो बुद्धिजीवियों ने, वरिष्ठ पत्रकारों ने जो जो विश्लेषण किया है, जितने आर्टिकल्स आए हैं या स्टोरीज निकली हैं, अगर उसका अध्ययन करोगे और उस अध्ययन के बाद उसको पढ़ोगे और उस समय विचार करोगे तो आप महसूस करोगे कि कितनी बड़ी जीत आपने हासिल की है। ये देश के तमाम लोग जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, दलित, पिछड़े, माइनॉरिटीज, उनकी जीत है, बड़ी जीत है। क्योंकि कल भी मैं प्रेस कर चुका था, आज तो केवल ये लोग आए थे तो हम तो मिल ही रहे, मान लो मैं तो बधाई भी दे रहा हूं, जनता का धन्यवाद भी दे रहा हूं लेकिन आपसे भी परिचय हो जाए, और प्रेस ने तो बहुत इनकी तस्वीर चलाई, अखबार ने छापी भी है लेकिन एक बार पार्टी कार्यालय में भी हमारा और आपका और हमारे दोनों जीते हुए इनके सहयोग में जो लोग रहे, हालांकि जो पिता होता है, हालांकि हमारी उम्र ज्यादा नहीं है क्योंकि मैं भी पिता हूं, पिता अपने आप को बेटे में देखता है, जो चीज कभी कभी नहीं कर पाता है पिता, वो सोचता है बेटा मेरी पूरी करेगा। और क्योंकि जीते तो प्रवीण कुमार निषाद हैं, इंजीनियर, इंजीनियर होना बड़ी बात है। प्रवीण कुमार निषाद इंजीनियर हैं और हम तो मकान वाले बनाने वाले थे और पेड़ लगाने वाले इंजीनियर थे या पॉल्यूशन ठीक करने वाले इंजीनियर थे, लेकिन ये मैकेनिकल हैं, ये नट बोल्ट ठीक करने वाले इंजीनियर हैं, गाड़ी के पहिए कैसे घूम जाते हैं, पिस्टन कैसे घूमती है, इंजन अगर आपने देखा होगा, अगर गाड़ी का इंजन देखते हैं आप तो इंजन को जब खोलोगे तो पिस्टन ऊपर नीचे चलती है लेकिन कोई तो वजह होती होगी कि ऊपर नीचे चलने वाली पिस्टन आखिरकार पहिए को गोल गोल कैसे घुमाती है। ये पहिए को गोल गोल घुमाया है जो, क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियर थे इसलिए गोरखपुर से इन्होंने पिस्टन का जो ऊपर नीचे चलने वाला मूवमेंट था उसको पहिए में बदल दिया। और शायद मैं अगर सही हूं
तो वो क्रैंक शाफ्ट होती है जो मोशन, अब ये दूसरे लोग नहीं जानते होंगे, तभी मैंने कहा कि दूसरों वाला का काम हम नहीं कर सकते, हमारा काम वो नहीं कर सकते। तो ये इंजीनियर हैं, नौजवान हैं, और ये सदन में जाएंगे, ये हमारी आपकी गोरखपुर की जनता की आवाज वहां रखेंगे, जो 5 बजटों में और 2 उत्तर प्रदेश के बजटों में वहां की जनता को कुछ नहीं मिला, जो बच्चे खोए गोरखपुर ने और आसपास के जिलों ने, जो माओं का दुख है, किसानों का दुख है, किसान जो इंतजार करता रहा कि हमारा कर्ज माफ होगा लेकिन कर्ज माफ नहीं हुआ, मां ने अपने बच्चे खो दिए क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिली उन्हें, और उसमें भी राजनीति की, समाजवादियों ने तो हॉस्पिटल बनाना शुरू कर दिया था, हमारे गांव घर की बात तो कहते हैं कि वहां पर VIP जिले हैं, लेकिन सोचो ऐसी सरकार जिन्होंने अपने ही अस्पताल को पैसा नहीं दिया, और जो समाजवादी सरकार ने अस्पताल बनाए थे वो आज भी अस्पताल वैसे ही खड़े हुए हैं, 500 बेड का अस्पताल बनना था वहां, एम्स के लिए जमीन दी लेकिन एम्स नहीं बन पाया। तो ये आवाज उठाएंगे वहां जाकर के। और दूसरे फूलपुर के साथी हैं, फूलपुर लोकसभा से कमल मुरझा गया। देखो फूलपुर की जनता ने कैसे, वहां फूल मुरझा गया एकदम, वहां की जनता का हम धन्यवाद देते हैं। घमंड और न जाने कैसी भाषा का इस्तेमाल होता था, कम से कम जनता ने जो निर्णय लिया है रास्ता सुधर जाएगा और भाषा कम से कम बदल जाएगी। इसलिए मैं दूसरे अपने साथी हैं, थोड़े उम्र में ज्यादा हैं लेकिन ये भी नौजवान हैं, BCOM किए हुए नागेंद्र प्रताप सिंह, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, दोनों नौजवानों को बधाई देता हूं, खासकर डॉक्टर संजय निषाद, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और पीस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब। अभी तो हम लोग घिर गए हैं डॉक्टर लोगों से, दाएं भी डॉक्टर बाएं भी डॉक्टर, ये पता नहीं इलाज वाले हैं के पढ़ाई वाले हैं, ये जो बोला है कार्यकर्ता लगता है नकल से पास हुआ है। इमरजेंसी बैठ जाओ। इसलिए मैं इनको बधाई देता हूं, जो हमारे यहाँ प्रभारी रहे बलराम यादव जी, उनको धन्यवाद बधाई, इंद्रजीत सरोज जी हैं जो लगातार काम करते रहे उनको बधाई, प्रजापति जी, दयाराम प्रजापति जी बधाई, और ये जो यूथ के लोग वहां लगे रहे लगातार, कम से कम यूथ के लोगों ने काम किया है इस बार, और मैं चाहूंगा यूथ के लोग ज्यादा काम करें क्योंकि आप पर ऊर्जा ज्यादा है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है ज्यादा काम करने की। और युवाओं से इसलिए कहूंगा कि आपको अपनी पीढ़ी बदलनी है और जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक अच्छा भविष्य देकर के जाना है, इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, इसलिए कैसे भी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेहतर हो, किसानों का भविष्य बेहतर हो, नौजवानों का भविष्य बेहतर हो, महिलाओं का भविष्य बेहतर हो, इसलिए हम लोगों को काम करना चाहिए और ज्यादा काम करना चाहिए। सभी हमारे प्रकोष्ठ के नौजवानों को जो लगे रहे लगातार वहां, क्योंकि नाम लेना संभव नहीं है, सब चाहते हैं उनका नाम ले लिया जाए, अभी रुक जाइए वहां आ रहे भी। इसलिए नौजवानों को धन्यवाद, जो प्रकोष्ठ के लोग हैं खड़े हैं, दयाराम प्रजापति भी बहुत मेहनत किए, अच्छा नहीं मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ, उस पर सबके नाम लेने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि देव, नफीस, इवाद, राहुल और ये तो MLC बीच में आ गए, हाँ अतुल का भी, संग्राम जी का भी, हालांकि अच्छा ये मैंने नौजवानों से कहा है कि देखो मैं जो बात इनसे व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ, जो नए MLC बने हैं, MLC तो बन गए
लेकिन समाजवादी पार्टी ने परमानेंट तुम्हारा इंतजाम कर दिया पेंशन का। तो सभी नौजवानों का बधाई धन्यवाद। राम गोविंद चौधरी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है आपके, जो मुकाबला करते हैं सदन में भी, और इनके साथ ललई से लेकर के उदयवीर एमएलसी डक्कू साहब का नाम दिखाई नहीं दे रहे, डॉक्टर मोहसिन साहब सामने दिखाई दे रहे दोनों लोगों का, और हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष, फिर हमारे जयाल इस्लाम कहाँ चले गए, सभी संगठन के हमारे इलाहाबाद के भी महासचिव हमारे अदर इफ्तिखार हुसैन साहब, इसलिए नाम लेना संभव नहीं है, इसलिए मैं संगठन के जितने लोग हैं नरेंद्र वर्मा जी से लेकर के सनी राकेश और जितने भी लोग हैं महबूब अली भी गए थे, इनका भी धन्यवाद, और प्रदेश अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद। हमारी जितनी महिला टीम बैठी है आगे, इनको और काम इसलिए करना चाहिए, इस सरकार ने इनकी समाजवादी पेंशन छीन ली है, इसलिए मैं चाहता हूँ ये महिलाएं हमारी जितनी भी हैं, ये गरीब महिलाओं जिनसे पेंशन छीनी, और मैंने गोरखपुर में ये कहा था, याद करना आप, मैंने कहा 500 रुपए हम दे रहे थे और घोषणा पत्र में मैंने 1000 लिख दिया था, ये एक साल सरकार नहीं, मतलब दो बजट में सरकार ने नहीं दिया है, और अगले 30 साल में देगी, 3 साल में देगी कि नहीं देगी, तो इसका 500 रुपया, और फिर अगली सरकार जो 2022 में बनेगी उसका 500 रुपया मिला करके 2000 रुपया हम लोग आने वाले समय में समाजवादी पेंशन देंगे। इसलिए सभी महिलाओं का संगठन के हमारे गीता सिंह से लेकर के गोरखपुर की जो लोग हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। लेकिन जब जीत हासिल की है तो हमें और आपको बहुत अनुशासन में और हमारी आपकी भाषा व्यवहार बातचीत एक दूसरे के प्रति लगाव एक दूसरे का सम्मान ये हमें और आपको मिलके करना पड़ेगा। इसलिए तमाम वो चीजें हमें नहीं भूलनी हैं जो अपने व्यवहार की हैं चीजें, उनको जरूर अपने अंदर ला करके हम लोग सम्मान करें। और एक बार फिर सभी दलों ने जिन्होंने मदद की हमारी सहयोग किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बिना जनता के सहयोग के शायद हम ये जीत नहीं हासिल कर पाते। जीत तो हजारों में हुई है लेकिन लाखों लोगों ने मदद हमारी की है तब ये जाकर के जीत हजारों में हासिल हुई है, ये लाखों लोगों की मदद है याद रखना, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसके बाद अपने बाद डॉक्टर निषाद जी को, ये डॉक्टर संजय निषाद जी को और डॉक्टर इनसे कहूंगा कि एक एक मिनट जनता का और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दे दें, कल मैंने प्रेस की थी फिर आप पूछोगे। मुलाकात में क्या बातचीत, देखिए एक बात तो ये आपको स्वीकार करनी चाहिए कि हम समाजवादी लोग सबका सम्मान करते हैं, लोग पुरानी बातें याद दिला रहे थे लेकिन कभी कभी कुछ पुरानी बातें भूलनी पड़ती हैं, और हमारा आपका और समाजवादियों का कभी किसी के प्रति व्यवहार खराब नहीं रहा होगा, यही कारण है कि आज हम लोगों के संबंध सबसे अच्छे हैं। आगे भविष्य में क्या संभावना है सर, कोई बातचीत हुई भविष्य के बारे में? कोई कुछ नहीं कह सकता। अध्यक्ष जी अमर सिंह कह रहे हैं कि आप किसी भी लेवल पे जाके कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं मायावती के साथ जाने के लिए, उन्होंने ये भी कहा कि मायावती जी तो नेता जी को जेल भिजवाना चाहती हैं। अमर सिंह अंकल है वो हमारे अंकल भतीजे को जानते हैं, भतीजा अंकल को जानता है। 2017 चुनाव से पहले आपने नारा दिया था कांग्रेस के साथ कि यूपी को ये 7% है, मैं आज भी कह रहा हूँ सुन लीजिए सवाल सुनिए, उसके बाद जो जनता ने फैसला दिया उसमें यूपी को 7% नहीं रहा, यूपी में अब इस बार बाई इलेक्शन से पहले आपने मायावती जी के साथ इलेक्शन लड़ा और ये रास आ गया यूपी की जनता को, क्या मानते हैं कि वो जो आपने 7 चुना था वो भूल थी आपकी? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस से जैसे हमारे संबंध है अच्छे वो बने रहेंगे, और
क्योंकि नौजवान वो भी हैं, हम भी हैं, तो हम लोगों को बहुत मिलकर के देश के तमाम समस्याओं का रास्ता निकालना है। रामगोपाल जी ने लेकिन कल कहा कि जिस तरीके से उनके अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष ने गोरखपुर की रैलियों में आपको मतलब आपके बारे में भाषा का इस्तेमाल किया वो ठीक नहीं है, कांग्रेस से गठबंधन आगे भविष्य में दिखता नहीं है, आपको लगता है क्या ऐसा कुछ? मैंने आपसे पहले ही कहा वही व्यक्ति सफल होता है जो पुरानी बात भूल जाता है। अब कल की बात तो आप नहीं अखबार में छापोगे, आप भी नई खबर छापोगे। खबर ये है कि कल राज्यसभा की वोटिंग को लेकर भी बात हुई कि किस तरह से वोट देने हैं, और मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। मैं चाहूंगा सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं आपने लगातार बात की कि हिंदुत्व का मुद्दा आया, आप लोगों को बोलना पड़ा कि असली हिंदू कौन है, अब वो कह रहे हैं कि झूठे वादे का नुकसान हुआ, राम मंदिर गौरक्षा 377 के हमने वादे किए पूरे नहीं किए, इसलिए जनता हमसे दुखी हुई। देखिए ये समाजवादी साथी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने एक उदाहरण पेश किया कि विकास का रास्ता क्या है। अगर सड़क का उदाहरण देना हो तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आगरा लखनऊ सड़क बनी है ये एक देश के लिए उदाहरण है कि सड़क अगर बने तो ऐसी बने। अगर मेडिकल कॉलेज या कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने की बात हो तो शायद लखनऊ का और जगह जगह जहां मेडिकल कॉलेज बन रहे थे वो एक उदाहरण है। मेट्रो कैसे कम समय पे बनाई जा सकती है, लखनऊ की जो मेट्रो बनी है, दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली जो मेट्रो बनी है, नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाली जो मेट्रो बनी है, या गाजियाबाद में जो मेट्रो बन रही है वो एक उदाहरण है। इसी तरह अगर देश में आवश्यकता हो कि एलिवेटेड सड़क कैसी बनती है तो अगर कोई गाजियाबाद का होगा तो वो जानता होगा देश की सबसे बड़ी 6 लेन एलिवेटेड सड़क बनी है तो गाजियाबाद में बनी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत सारे उदाहरण में दे सकता हूं, टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल समाजवादियों ने किया, समाजवादी पेंशन एक उदाहरण है, 1090 उदाहरण है, 100 नंबर उदाहरण है, तो ये उदाहरण दिए हैं समाजवादियों ने, यही विकास का रास्ता है। मैं समझता हूं प्रदेश को देश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए जिस तरीके से किसानों के लिए एक्सप्रेस वे पर मंडियां बन रही थी, चाहे वो आम की मंडी बन रही थी, आलू की मंडी बन रही थी, अनाज की मंडी बन रही थी, या बाबा रामदेव जी को उनके जो प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि योग में अब कम ध्यान दे रहे हैं सामान में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो 500 एकड़ हम लोगों ने कहा था कि वो भी इन्वेस्ट करेंगे जिससे 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल जाए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस पर कोई बात नहीं करेंगे, हम बहुत बोल चुके हैं। हम मीटिंग पे कम भरोसा करते हैं, साइकिल चलाने पे और गांव जाने पे ज्यादा भरोसा करते हैं। मैं चाहता हूँ कि गोरखपुर में जो आपको जीत मिली है वो बहुत ऐतिहासिक है, उसके लिए सबसे प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? मैं इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देखिए मैं इस बात पे बहस में नहीं जाना चाहता हूँ कि बीजेपी का क्या मतलब है हिंदू कहने का, बीजेपी के लोग हमें उससे कुछ पता ही नहीं है बीजेपी क्या चाहती है। जी योगी भी कह रहे हैं हम अपने आत्मविश्वास के कारण आ रहे हैं। किसके बाद राहुल जी की तरफ से नहीं, मैं समझता हूं इसलिए हारे होंगे कि जो अधिकारियों से हमने काम लिया उन अधिकारियों से बहुत भरोसा करने लगे, उनके कान में बहुत कुछ कहने लगे। क्या राहुल जी की तरफ से कोई बधाई आई आपको? उन अधिकारियों ने हरवा दिया उन्हें। जीत पर कोई बधाई आई? बधाई आई कि नहीं? किसकी? राहुल गांधी जी से बधाई आई कोई? मैं मोबाइल पे किसका व्हाट्सएप आ रहा है, कैसा आ रहा है, किसका मैसेज आ रहा है मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, मुझे अगर बधाई आई तो मैं क्यों आपको बताऊं, लेकिन बधाई आई है, उनकी बधाई आई है, राहुल गांधी जी की बधाई आई है, मैंने भी उनको धन्यवाद दे दिया है। सर क्या ये मानते हैं? और देश के तमाम बड़े नेताओं ने भी बधाई दी, मैंने उनको भी धन्यवाद दिया, और जो अगर बड़े थे तो मैंने उनसे कहा कि हम लोगों को आशीर्वाद बना के रखें। नेताजी को उससे भी मैंने बधाई दी है, नेताजी ने भी हम लोगों को आशीर्वाद दिया, बड़े नेताओं को भी हमने धन्यवाद आशीर्वाद या मुबारकबाद दी, तो उस हिसाब से हमने उनसे बातचीत की है।
सर आप, सर आपने कहा कि जो पुत्र होता है पिता होता है पुत्र अपने आप को देखता है, तो क्या नेताजी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं थे, आप आने वाले प्रधानमंत्री आप होंगे? तुम बात ही नहीं समझ पाए तुम कुछ तुम ये पढ़ा लिखा कर चलो सर बिहार में नहीं नहीं सर अब कोई ईवीएम मशीन का कोई असर नहीं दिखा सर? नहीं ईवीएम पे मैं कहना चाहता हूँ ये दोनों हैं और क्षेत्र के लोग बैठे हैं सामने भी बैठे हैं, ईवीएम अगर सही होती और ईवीएम ने अगर समय खराब ना किया होता, ईवीएम इतने बड़े पैमाने पे खराब ना होती तो समाजवादियों की जीत और ज्यादा बड़ी होती। और कई ईवीएम्स में वो इलेक्शन कमीशन जाने और इन्होंने मैंने कहा हमने शिकायत की कि ईवीएम में पहले ही वोट पड़ा हुआ था, कई ईवीएम जब चेक की गई तो उसमें वोट पहले से पड़ा था, ईवीएम से पूरा गुस्सा नहीं निकला, अगर बैलेट होता तो आवाज सुनने को मिलती तब गुस्सा पूरा निकल पाता। आगे सर इस पे आगे कुछ अभी करेंगे, इस पे आगे आगे भी आवाज उठाएंगे इस पे। आप देखिए ईवीएम आपको एनालिसिस करनी चाहिए और मैं तो कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को खुद इस बात को देखना चाहिए, जिस समय मशीनें ठीक हो रही थी तो मुझे जानकारी किसी पत्रकार साथी के माध्यम से ही मिली थी कि जो मशीनें ठीक हो रही हैं या जो मेंटेनेंस हो रहा है या कैलिब्रेशन हो रहा है वो गोरखपुर में वहीं हो रहा है जहां पर महोत्सव मन रहा था उसी के आसपास हो रही थी, तो क्या ठीक हुई होंगी जो फिर खराब हो गई? आपको जानकारी करनी चाहिए, बताना चाहिए सबको जनता को कि आखिरकार कितनी मशीन खराब हुई, कितनी में घंटों वोट नहीं डाल पाए लोग, कई मशीनों में वोट पहले से ज्यादा पड़ा हुआ था और कई गांव ऐसे हैं जहां पर डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे तक लोग इंतजार करते रहे मशीनों में वोट नहीं डाल पाए। तो ये तमाम बातें हैं, सबसे आसान सुलझा हुआ रास्ता दुनिया के तमाम लोकतंत्र अपना रहे हैं, बैलेट लाइए ठप्पा मारने का मौका मिले, गुस्सा निकालने का मौका मिले। आपको ये सारी चीजें पता मशीन से गुस्सा नहीं निकलना अभी पूरा, आपको ये सब सारी चीजें पता है कि इतनी लेट हुई सब कुछ हुआ, तो आप 2019 के लिए इसमें क्या करेंगे आगे? भाई हमारी जितनी जिम्मेदारी है आपकी भी जिम्मेदारी, हमारी मदद करो इसमें, हम लिख करके देंगे, आप भी टीवी पर चलाओ। सर बिहार में आरजेडी की हम दोनों मिलकर के मदद मांगते हैं इलेक्शन कमीशन से। सर बिहार में आरजेडी की जीत चलिए बहुत, मैं सभी केरला और नूरपुर में भी यही, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, एक मिनट आप धन्यवाद दे दें और एक मिनट ये धन्यवाद दे दें, मुझे मत थकाइए। सर बिहार में आरजेडी की जीत पर गिरिराज सिंह ने कहा है अच्छा आप फैलाएंगे, बिहार में आरजेडी की जीत पर बिहार में आरजेडी की जीत पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि अभी आतंक फैलाएंगे आरजेडी वाले। आप ऐसा करिए जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके सभी जितने स्टेटमेंट हैं उनका एक एक कर करके आप चलाइए देश में, जनता जान ले कि वो क्या कह रहे हैं।